को चट कर जाता है। जंगल के जानवर सिम्बा डायनासोर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर सभी जानवर एक मीटिंग बुलाते हैं और सिम्बा डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे अगर ये सिम्बा ऐसे ही जानवरों को मार कर खाता रहा तो जंगल से जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तभी एक भालू बोलता है, मैं किसी को जानता हूँ जो इस ड्रैगन डायनासोर को मजा चखा सकता है, लेकिन हम सबको वहाँ उसके पास जाना होगा और उससे रिक्वेस्ट करनी होगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। हम सब तैयार हैं भालू भाई, आप हमें वहाँ ले चलो। फिर वह सभी उस प्राणी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह सभी उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक जादुई उड़ने वाला दानव था जो आकाश में उड़ता था। आकाश में उड़ते हुए जब वह जंगल के जानवरों को देखता है तो नीचे उतर आता है। सभी जानवर उस उड़ने वाले दानव को अपनी परेशानी बता देते हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं उस ड्रैगन डायनासोर को देख लूंगा, अभी तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही आकर उस ड्रैगन को सबक सिखा दूंगा। सभी जानवर वहां से अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जानवर अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी वह ड्रैगन डायनासोर वहां आ जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रैगन डायनासोर बकरी को खाने के लिए दूर जाकर नीचे उतरता है। तभी वहां पर वह उड़ने वाला दानव पहुंच जाता है। इस बकरी को छोड़ दे दुष्ट डायनासोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा मुझसे मुकाबला करके दिखा। फिर ड्रैगन डायनासोर और उड़ने वाले दानव में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। उड़ने वाला दानव जादुई था, वह आग का बड़ा सा गोला बनाकर उस ड्रैगन डायनासोर की ओर फेंकता है। ड्रैगन डायनासोर उस आग के गोले से बच नहीं पाता है और वह आग का गोला उस डायनासोर के आर पार निकल जाता है और वह ड्रैगन डायनासोर आग में जलने लगता है और जलते जलते वह नीचे जमीन पर जा गिरता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस तरह से उस ड्रैगन डायनासोर का अंत होता है और जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और उस उड़ने वाले दानव का धन्यवाद करते हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही समझदार और रहमदिल था। सबका जीवन बड़े ही मजे में कट रहा था। वहीं एक टीले पर एक बड़ा ड्रैगन रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था और उसके मुंह से आग भी निकलती थी। एक दिन ड्रैगन ने सोचा, अरे कितने दिन हो गए मुझे इसी जगह पर रहते हुए, अब तो यहाँ बोरियत सी होने लगी है, क्यों ना यहाँ से कहीं और निकला जाए और ताजे भोजन का मजा लिया जाए। ऐसा बोलकर वह ड्रैगन वहां से उड़ता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह ड्रैगन काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल के ऊपर पहुंच जाता है जिसमें शेर रहता था। ऊपर से वह देखता है कि बहुत सारे जानवर मस्ती में मस्त थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही मोटे ताजे जानवर हैं। ये तो मेरे कई महीनों के भोजन का प्रबंध हो गया, हा 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 हा। ऐसा बोलकर वह जंगल में नीचे उतरने लगता है। इतने में एक हिरण की नजर उस ड्रैगन पर पड़ जाती है और वह हिरण जोर जोर से चिल्लाती हुई